गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक चल रहा था नाइट्रीज, दैट इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। हम क्या कर रहे थे, क्रियाशील मध्यवर्ती मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टडी कर रहे थे। कौन सा, नाइट्रीन। और नाइट्रीन के अंदर हमने नाइट्रीन जो थे अलग अलग तरह के उसके एग्जाम्पल देख लिए थे, मतलब की कौन कौन से हमारे पास नाइट्रीन है, चाहे वो अल्काइल नाइट्रीन था या असाइल नाइट्रीन था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नाइट्रीन भी देख लिया था, उसके अंदर सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन के अंदर क्या था, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही पी ऑर्बिटल के अंदर थे, लेकिन जो ट्रिपलेट नाइट्रीन था उसके अंदर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक पी ऑर्बिटल के अंदर अलग अलग थे, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट नाइट्रीन का हमने क्या देखा था, प्रिपरेशन की नाइट्रीन हमें मिलेगा कैसे। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन, ये नाइट्रीन हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन से हम क्या बनाएंगे, नाइट्रीन बनाएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या लेते हैं, अमाइड लेते हैं RCONH2। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ, तो हमारे पास आता है RCONH Br, ठीक है। ये आया हमारे पास RCONH Br। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, OH माइनस आया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, RCON। और ये क्या है हमारे पास, असाइल नाइट्रीन। ये हमारे पास क्या आ गया, असाइल नाइट्रीन। देखिए हमने क्या कर रहे थे, नाइट्रीन बना रहे, नाइट्रीन क्यूब क्या होता है, नाइट्रेशन नाइट्रोजन के ऊपर दो तो लॉन पेयर और एक क्या होता है बॉन्ड पेयर। ये क्या था हमारे पास, नाइट्रीन था। नाइट्रीन की हमें प्रिपरेशन करनी थी कैसे, भाई अल्फा एलिमिनेशन से किया हमने, क्या किया देखिए, RCONH2 हमने एक अमाइड ग्रुप लिया, उसका हमने ब्रोमिनेशन करवाया, यहाँ पे Br आके ऐड हो गया और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से HBr निकल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका बाद में OH माइनस की वजह से इसकी रिएक्शन करवा दी जब, तो यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, असाइल नाइट्रीन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी रिएक्शन, नेक्स्ट है बाय थर्मल डीकम्पोजिशन। दोबारा हम क्या करेंगे, देखिए RCONH2 दोबारा अमाइड भी देंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, हम इसको क्या करेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे। यहाँ पे RCONH2 नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम RCON। ये क्या है हमारे पास, असाइल नाइट्रीन। ये हमारे पास असाइल नाइट्रीन है, ठीक है। अब इससे हम क्या बनाएंगे, अल्काइल नाइट्रीन बनाएंगे। हम असाइल नाइट्रीन से क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ RCON। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे असाइल अजाइड दिया, इसको क्या बोला है, असाइल अजाइड। इस असाइल अजाइड को पायरोलिसिस से हमने हीट किया, तो हमारे पास वहां पे क्या आ गया, असाइल नाइट्रीन आ गया। क्या किया, डीकम्पोजिशन दे दी, सेकंड है बाय डीकम्पोजिशन। सिर्फ इसमें क्या किया हमने, डीकम्पोजिशन वो भी कौन सा, थर्मल, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसको असाइल कर दिया, तो ये क्या है, असाइल अजाइड। जो ये तीन एन होते हैं इसको क्या बोलते हैं, अजाइड ग्रुप होते हैं, हमने असाइल अजाइड लिया, RCO(NN) जो है ये असाइल अजाइड लिया, इसको हीट किया तो हमारे पास कौन सा आ गया, असाइल नाइट्रीन आ गया। अब देखिए अल्काइल नाइट्रीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाय फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस का मतलब आपको पता है, रिएक्शन होगी वो किसमें होगी, लाइट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होगी। फोटोलिसिस का मतलब जो रिएक्शन होगी वो लाइट की प्रेजेंस में होगी। तो देखिए इसके अंदर हम क्या लेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड लेंगे, RNCO। ये हमने क्या ले लिया, अल्काइल आइसोसाइनाइड ले लिया, अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करवाएंगे, फोटोलिसिस करवाएंगे। फोटोलिसिस का मतलब क्या है, कि हम लाइट की प्रेजेंस के अंदर क्या करेंगे, इसको
ब्रेक करेगी या फिर इसकी रिएक्शन करेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये आर एन, और ये हमारे पास क्या आ गया अल्काइल नाइट्रीन आ गया। ठीक है, हमने क्या किया फोटोलिसिस से अल्काइल नाइट्रीन बना दिया, और साथ में ये क्या है सीओ निकल जाएगा प्लस सीओ, तो ये क्या होगा हमारे पास नाइट्रीन। तो देखिए हमने नाइट्रीन की जो प्रिपरेशन है वो तीन तरह से की। सबसे पहले हमने क्या किया नाइट्रीन का अल्फा एलिमिनेशन किया हमने अमाइड ग्रुप लेके, फिर हमने क्या किया थर्मल डीकम्पोजिशन किया, और उसके बाद हमने क्या किया लास्ट में फोटोलिसिस किया। तो ये तीन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे नाइट्रीन बनाने के लिए। अब ये नाइट्रीन ग्रुप है ये भी बहुत शॉर्ट के रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं। अब लास्ट देखिए जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट या क्या कहते हैं आपका जो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट बचा जो लास्ट लाइन का वो क्या है, ये इसका नेक्स्ट आप कह लो टॉपिक जो है वो क्या है अराइज। अब देखिए अराइज क्या होते हैं, हमने अरीन्स पढ़ा है, अराइज का मतलब क्या है ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके अंदर, अराइन नाम से पता चल रहा है ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखिए अराइज क्या होते हैं, ऐसे कार्बन कार्बन या कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहते हैं अराइज कहते हैं। ठीक है, अराइज क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो उनको हम क्या कहेंगे अराइन्स कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अराइन का वो क्या है बेंजाइन, एग्जांपल है इसका बेंजाइन। बेंजाइन मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है बेंजाइन। तो देखिए अभी जो बेंजाइन है ये मिलता कैसे है हमें, ये हमारे पास क्या है बेंजीन रिंग है। अब आपको पता है इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, अब इसमें से अगर हम दो हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेंजाइन आ जाएगा। देखिए एराइन्स क्या होते हैं ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता ही है क्या होते हैं जो भी रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं या जो भी क्या कहते हैं जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं, एरोमेटिसिटी शो करने के लिए इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है एरोमेटिसिटी में हमने पढ़ी थी हकल हुकल वो सब। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं अराइन्स बोलते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है जो हमारा कॉमन एग्जांपल है सबसे वो क्या है बेंजाइन। और बेंजाइन कैसे बनता है बेंजीन रिंग में से अगर दो एच टू को हम हटा दें ये वाला एच ये वाला एच को हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है बेंजाइन आ जाता है। तो देखिए इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन कि जो ये बेंजाइन है ये कैसे बनता है। अब एराइन से आपसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल लेते हैं वो बेंजाइन का ही लेते हैं। तो आगे जो हम एराइन जितना भी स्टडी करेंगे वो बेंजाइन के बेस पे ही करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन की स्ट्रक्चर देखने के लिए देखिए पहले हमें क्या बताना चाहिए एसिटिलीन की स्ट्रक्चर बतानी चाहिए। तो एसिटिलीन की स्ट्रक्चर देखिए क्या होती है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब इसके अंदर आपको पता है कि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, और वो कैसे बनते हैं इस तरह से जो पी ऑर्बिटल होती है उनकी जो क्या होती है साइड में ओवरलैपिंग होती है इस कारण से हमारे पास क्या होते हैं पाई बॉन्ड बनते हैं। ऐसा आपको पता है कि जो ये पाई बॉन्ड होते हैं अगर ये क्या करते हैं ओवरलैपिंग करते हैं इसको चाहे एक डिग्री बना लो, मतलब मेनली देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि जो एसिडिटी होता है उनके अंदर क्या पाइप और कैसे बनते हैं साइड में ओवरलैपिंग से बनते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन के अंदर देखो क्या होता है यहाँ पे देखो इस तरह से इनकी क्या होती है पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और इस कारण से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है बाहर की तरफ। इस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे बेंजाइन बनता है। बेंजाइन देखिए कैसे बनता है, ये तो थी नॉर्मल क्या थी पीपी ओवरलैपिंग जो पाई बॉन्ड बनता था वो साइड वेज ओवरलैपिंग से बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दो पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो उनकी क्या होती है यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और इस तरह जो ये वाला जो पाई बॉन्ड बनता है वो बहुत ही ज्यादा
वीक होता है, जो ये वाला पाइप होता है ये बहुत ज्यादा वीक पाइप होता है, वैसे ही जो बेंजाइन मॉलिक्यूल है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये वाला जो पाइप होता है ये बहुत ज्यादा वीक होता है, और इसी कारण जो बेंजाइन मॉलिक्यूल है, ये जो बेंजाइन है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। तो देखिए
रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। तो देखिए रिएक्शन के अंदर क्या है, इसी रिएक्शंस को हम किसमें यूज करते हैं, डिटेक्शन के अंदर भी यूज करते हैं कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर क्या है बेंजाइन प्रेजेंट है तो वो डाइमराइजेशन रिएक्शन जरूर देगा। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट में जो रिएक्शन है डाइमराइजेशन रिएक्शन, हमने क्या करना है दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं बेंजाइन के, बेंजाइन के दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो इससे देखो हमें मिलेगा क्या, हमने क्या किया देखिए बेंजाइन के दो मॉलिक्यूल लिए और हमें क्या मिला डाई बेंजो साइक्लोब्यूटेन, डाई बेंजो साइक्लोब्यूटेन मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जो बेंजाइन है वो डाइमराइजेशन के अंदर जा रहा है। यहाँ पे इन शेप को डाइमराइजेशन लिखेंगे कि क्या हो रहा है, जो दो बेंजाइन ग्रुप है वो क्या हो रहे हैं आपस में एड हो गए, क्या बना रहे हैं डाइमर बना रहे हैं और इस डाइमर का नाम क्या है डाइबेंजो साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये पहली रिएक्शन थी बेंजाइन की। अब नेक्स्ट देखिए बेंजाइन की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, जो बेंजाइन है वो क्या देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या है कि बेंजाइन को अगर हम रिएक्ट करवा दें H2O के साथ तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे फिनॉल मिलेगा। ठीक है, एक तो ये रिएक्शन, अब यही हम बेंजाइन की रिएक्शन करवा दें RNH2 के साथ मतलब अल्काइल अमीन के साथ तो हमें देखो क्या मिलेगा RNH अल्काइल एनिलीन मिल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अल्काइल एनिलीन, ये दिख रहा होगा आपको इधर अल्काइल एनिलीन हमें मिल जाएगा। अगर इस रिएक्शन को यही देखा हो सकता है क्लियर ना हो RNH2 तो इधर यहां पे हमें क्या मिल जाएगा ये RNH, इसको क्या बोलेंगे अल्काइल अमीन बोलेंगे। क्या मिलेगा अल्काइल एनिलीन, मतलब क्या है हमें क्या मिलेगा ये अल्काइल एन अल्काइल एनिलीन बोलेंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर हम H2O लेते हैं या फिर RNH2 लेते हैं। अब देखिए इसकी जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है ये तो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर हम H2O को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है फिनॉल मिल रहा है, और अगर RNH2 ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है एन अल्काइल एनिलीन मिल रहा है। अब नेक्स्ट देखिए रिएक्शन जो है हमारे पास वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर देखिए हम क्या करेंगे बेंजीन रिंग लेंगे भाई बेंजाइन रिंग लेंगे मतलब, और उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CH3CH2CN। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास इथाइल साइनाइड ग्रुप है, क्या है इथाइल साइनाइड ग्रुप है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे देखिए इसमें क्या होगा हमारे पास ये हमारे पास देखिए क्या है इसका नाम 1,2-benzo-3-cyanobutane 1,2-benzo-3-cyanobutane। ये क्या है साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, इथाइल साइनाइड ले रहे हैं बेंजाइन के साथ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है 1,2-benzo-3-cyanobutane बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और रिएक्शन, अगर हम क्या करें बेंजाइन के साथ ले लें फ्यूरान, देखिए ये क्या है फ्यूरान, अगर हम बेंजाइन के साथ ले लें फ्यूरान तो देखिए
इसका नाम लिखो, देखो इसका नाम है 1,4-epoxy 1,4-dihydro नेप्थीन। देखिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या है कि जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा, तो इसके अंदर हमने बेंजाइन के साथ अगर हेक्साइनाइड ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1,2-benzo-3 साइनोब्यूटेन मिल रहा है, और अगर हम बेंजाइन के अंदर फ्यूरान ले रहे हैं तो फ्यूरान, तो इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है 1,4-epoxy 1,4-dihydroxy नेप्थीन मिल रहा है। ये नेम बहुत बड़ा है लेकिन इसको याद करोगे तो याद हो जाएगा। क्या है इसका नाम 1,4-epoxy 1,4-dihydroxy नेप्थीन, और जो आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है उसको नेप्थीन बोलते हैं, तो उसी से वर्डिंग इसका नाम है 1,4-epoxy। तो इसके 1 और 4 से तो क्या हो रहा है epoxy ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे 1 और 4 से क्या है यहाँ पे डाइहाइड्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, डाइहाइड्रो नेप्थीन उसे वर्डिंग इसका नेम है। तो ये कुछ रिएक्शन थी किसकी, बेंजाइन की, हमने बेंजाइन स्टडी किया। बेंजाइन ऐसा ग्रुप होता है जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और किसमें हो एरोमेटिक रिंग के अंदर, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, उसकी स्ट्रक्चर देखी और उसकी केमिकल रिएक्शंस देखी हमने। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।